इसी प्रकार तीसरी स्कीम है लैंड बोर्ड मॉर्गेज बैंक, जिसमें किसानों की जमीन जो है वो मॉर्गेज भी कर ली जाती है, फिर भी हम चाहते हैं कि किसानों को कुछ राहत दी जाए। तो इसमें कुल मिलाकर 1,10,000 फार्मर हैं, जिसमें से 70,000 फार्मर्स वो एनपीए में आ गए हैं। कुल 1400 करोड़ की अमाउंट है और इसमें प्रिंसिपल जिसमें से लगभग 750 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके अंदर भी हमने पीनल इंटरेस्ट वो सब छोड़ दिया है और जो इंटरेस्ट बाकी है उसका 50% ही अब उनसे लिया जाएगा और वो 50% गवर्नमेंट पे करेगी लैंड मॉर्गेज बैंक को, और इसके द्वारा भी 450 करोड़ रुपए का लाभ ये किसानों को होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 450 करोड़, अब ये 100-200 करोड़ ऊपर भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आने के बाद रफली कहें तो 5,000 करोड़ रुपए का एक ये पैकेज हमने किसानों को दिया है और किसान इससे काफी राहत महसूस करेंगे और जो किसानों के ऊपर जो बढ़ता हुआ एक जिसको कहना चाहिए दबाव है वो समाप्त होगा।